HyperOS 2.0 सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है और यहाँ पर कौन कौन से डिवाइसेस को ये अपडेट मिलेगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई HyperOS 2.0 के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, इंडिया में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि चाइना में बहुत ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया उसमें बहुत सारे ऐसे AI के फीचर्स है जो कि आपने अभी तक किसी भी Xiaomi के फोन में नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर HyperOS 2.0 के अंदर अब वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत कमाल के बहुत अमेजिंग फीचर जो है वो HyperOS 2.0 के अंदर देखने को मिले हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको हर फीचर के बारे में यानी कि सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली HyperOS 2.0 के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिले, AI के क्या क्या फीचर्स हैं और इंडिया में ये फीचर्स मिलेंगे या नहीं। तो ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए, चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो यार एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। Xiaomi ने HyperOS 2.0 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको लॉन्च कर दिया है, क्योंकि और वेबसाइट में हर फीचर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स आएंगे। और यहाँ पर आज की डेट में जो लाइव इवेंट हुआ था उसमें HyperOS 2.0 के सारे फीचर्स को Xiaomi ने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पर एक एक फीचर के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो पूरा देखना क्योंकि इंडिया में भी ये बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं। देखो यहाँ पहला फीचर जो है वो हाइपर कोर के नाम से यहाँ पर आने वाला है, ये बेस्ड ऑन AI है क्योंकि ये टोटली AI पे डिपेंड है फीचर। इसके अंदर आपको काफी सारे नए टूल्स नए फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे और ये सारा फीचर जो है वो AI पे सपोर्ट यहाँ पर करता है, मतलब AI के अंदर इसमें बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे फीचर्स का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर आने वाला है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको AI की काफी सारी यहाँ पर जो लॉग स्क्रीन है AI वाले वो आपको सारे देखने को मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ये चीजें जो हम कुछ फ्लैगशिप लेवल के जो डिवाइस है उनमें ही देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जितनी भी लॉग स्क्रीन है ये सब AI बेस्ड है। आप देखोगे काफी अच्छे तरीके से इनका जो यहाँ पर मतलब एक एनिमेशन है वो नेक्स्ट लेवल का देखने को मिल रहा है, जो कि देखने में भी एक नेक्स्ट लेवल का लुक आपके डिवाइस को यहाँ पर दे रहा है। हालांकि जैसे कि Xiaomi 14 हो गया, Xiaomi 15 हो गया, उन जो फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस हैं जो कि AI को सपोर्ट करते हैं उन डिवाइसेस के अंदर डेफिनेटली ये AI वाले फीचर्स मिलेंगे। सारे डिवाइसेस में ये चीजें यहाँ पर नहीं मिलेंगी, लेकिन ये AI का जो फीचर है वो Xiaomi ने HyperOS 2.0 के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। और यहाँ पर आपको ये कुछ इस टाइप का बबल फीचर मिलेगा चार्जिंग में, जैसे कि अभी आप देखोगे यहाँ पर ये जो बबल एक दिखा है आपको वाटर टाइप का, ये एक चार्जिंग एनिमेशन है जो कि आने वाले टाइम में HyperOS 2.0 के अंदर मिलेगा। ये फीचर एग्जैक्टली मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर आपको काफी ज्यादा इंटीग्रेशन वगैरह देखने को मिलेंगे, तो ये फीचर काफी ज्यादा कूल यहां पर होने वाला। और यहां पर आपको काफी जबरदस्त जो यहां पर नए टूल्स हैं, नए वॉलपेपर्स हैं, नए लॉक स्क्रीन स्टाइल हैं जो AI बेस्ड है, वो सारी चीजें आपको HyperOS 2.0 के अंदर यहां पर मिल चुकी हैं और आने वाले टाइम में इंडिया में भी ये फीचर्स यहां पर मिलेंगे। और जो नॉर्मल वर्जन है उनके अंदर और भी काफी सारे जो यहाँ पर मतलब डिजाइन है नए वाले, क्योंकि HyperOS जब आया था तब भी उसमें काफी सारे यहाँ पर लॉक स्क्रीन स्टाइल मिले थे, अब HyperOS 2.0 के अंदर भी काफी ज्यादा अमेजिंग लॉक स्क्रीन स्टाइल यहाँ पर मिलेंगे। और उसके साथ ही आप देखोगे यहाँ पर भी आपको काफी सारे नए टूल्स नए फीचर्स का जो एक डेमो है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें यहाँ पर जो विजिट्स है वो नेक्स्ट लेवल के यहाँ पर होने वाले। ये आप देखोगे ये सारे विजिट्स ही है यहाँ पर, मतलब आप देख सकते हो क्लॉक का विजिट है, वेदर का विजिट है, देन यहाँ पर इसमें क्लीनर का विजिट है और भी काफी सारे विजिट्स हैं जो कि HyperOS 2.0 के अंदर आपको बहुत कमाल के यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और नोटिफिकेशन पैनल भी एक काफी जबरदस्त फीचर यहाँ पर होने वाला है जो कि आप देख सकते हो इसको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर से इंटीग्रेट किया गया है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर ये दोनों चीजें एक ही पैनल पे काम करती है, साइड से करोगे तो कंट्रोल सेंटर आ जाता है और यहाँ पर दूसरी साइड से करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है। इसमें भी आपको एनिमेशन नेक्स्ट लेवल के मिलेंगे क्योंकि ये जो फीचर्स हैं ये जो अपडेट है वो बहुत कमाल के यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे फीचर्स भी आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखोगे जो वेदर एप्लीकेशन है इसमें आपको 3D स्टाइल देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर आप जो लुक है इसका 3D स्टाइल में मिलेगा। यहाँ पर जब बारिश होगी तो बारिश देखने को मिलेगी, मतलब ये लाइव रहेगा, और नाइट टाइम होगा तो नाइट जैसा मिलेगा, डे होगा तो डे जैसा मिलेगा, सन जिस तरीके से जाएगा उस तरीके से ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये 3D स्टाइल में आपको यहां पर आने वाले अपडेट्स में ये चीज देखने को यहां पर मिलेगी। और इसके साथ और भी काफी सारे फीचर हैं जो कि 3D को सपोर्ट करेंगे, जैसे कि वॉलपेपर सेक्शन है, देन इसके साथ यहां पर और भी काफी सारे AI के टूल और AI के फीचर्स हैं, वो सारी चीजें आपको यहां पर 3D स्टाइल में देखने को मिलने वाली है। तो ये भी एक काफी एक बड़ा जंप अपडेट है। और यहां पर आप टीवी वगैरह से भी अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, मतलब यहां पर आपको टूल्स और फीचर्स मतलब नेक्स्ट लेवल के मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी अगर ओपिनियन बताऊं, यहाँ पर जितने फीचर आपको HyperOS में मिले थे HyperOS 2.0 में आपको उससे भी ज्यादा फीचर्स और उससे भी ज्यादा कमाल के फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें आपको नेक्स्ट लेवल का चार्जिंग एनिमेशन मिल रहा है, नेक्स्ट लेवल के 3D स्टाइल के विजिट्स मिल रहे हैं, लाइव टाइल वाले विजिट्स मिल रहे हैं जिसमें आपको सारे फीचर्स सारी चीजें लाइव देखने को मिलेंगी।
ये फीचर काफी अच्छा। और यहाँ पर आपको हाइपर जो कनेक्ट का फीचर है वो भी देखने को मिलेगा, जिसके साथ आप काफी सारे नए फीचर्स, नए टूल्स और यहाँ पर अपने जो स्मार्ट डिवाइस है उनको कनेक्ट यहाँ पर कर पाओगे। आई थिंक पेयर करोगे देन उसके बाद ये कनेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये चीजें काफी जबरदस्त है जो कि 2.0 के अंदर ही मिलने वाली है। और भी यहाँ पर टैबलेट है उसके साथ, और भी काफी सारे टीवीज वगैरह के ऑप्शन है, और भी बहुत सारे टूल्स है जो कि हाइपरस 2.0 के अंदर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसमें आप काफी सारी चीजें जो है वो लाइव वगैरह कर सकते हो, टीवी से इसको पेयर कर सकते हो, मतलब एक टाइम पे काफी सारे मल्टीपल टास्किंग वगैरह जो है वो अब आप यहां से कर पाओगे। तो ये काफी अच्छी चीज, और ये आपके मैक से भी कनेक्ट हो जाएगा। जो हाइपरस 2.0 के फीचर्स हैं वो मैक यानी कि जो आईओएस का है एप्पल का, उसको भी आप यहां से कनेक्ट कर सकते हो अपने डिवाइसेस से। तो ये चीजें काफी जबरदस्त हैं, एक टाइम पे मल्टीपल सपोर्ट्स आपको मिलेंगे कनेक्टिविटी के, जो कि यहां पर आपको मिल जाते हैं। और यहां पर एक काफी बड़ा टूल यहां पर आने वाला है शाओमी हाइपर एआई के नाम से, जो कि टोटली एआई बेस्ड होगा, और इसके अंदर जो फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे वो सारे ही यहां पर एआई बेस्ड होने वाले हैं। तो ये चीज काफी अच्छी है, जिसमें आपको यहां पर काफी सारे सपोर्ट्स एआई वाले मिल जाएंगे। और यहां पर आपको जैसे कि एप्पल के अंदर आपको सीरी मिलता है, उसी तरीके से शाओमी के अंदर भी आपको यहां पर सीरी जैसा ही फीचर मिलेगा, जो कि काफी बेटर फीचर होने वाला है। इसको आप जिस चीज को भी यहां पर सर्च करोगे, यहां पर टैप एंड होल्ड करोगे, तो ये सारी चीजें वर्किंग में आएंगी। और यहां पर इसका जो नाम है वो शाओमी हाइपर एआई के नाम से इंट्रोड्यूस इसको शाओमी ने किया। तो आई थिंक ये फीचर और ये टूल बहुत एक अमेजिंग यहां पर होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको एआई के बहुत जबरदस्त टूल जो है वो यहां पर मिल रहे हैं। तो इससे आप बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, डायरेक्टली फोटो कैप्चर करके उस चीज की सारी इंफॉर्मेशन आप यहां से निकाल सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये जो टूल है और ये जो फीचर है वो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, जो कि हाइपरस 2.0 के अंदर आपको ऑफिशियल इंडिया के भी जो मतलब फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस रहेंगे उनमें ये फीचर मिलेगा, क्योंकि ये फीचर एआई बेस्ड है और एआई जो है वो यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल के डिवाइसेज में ही काम करने वाला। नॉर्मल डिवाइसेज में आई थिंक ये चीजें नहीं मिल पाएंगी, लेकिन नॉर्मल डिवाइसेज में हाइपरस 2.0 वाले फीचर्स काफी ज्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि हाइपरस 2.0 एक काफी बड़ा अपडेट होने वाला है, क्योंकि ये अपडेट एंड्रॉइड 15 बेस्ड है, जिसकी वजह से आपको टूल और फीचर्स भी काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो यहां पर काफी सारे टूल्स, काफी सारे फीचर्स का जो सपोर्ट है मिल रहा है, हालांकि ये चाइनीज लैंग्वेज है। आई थिंक इस पर एक वीडियो आपको और डिटेल में काफी जल्द मिलेगा, जिसमें हम इसको ट्रांसलेट करके सारे फीचर्स की इंफॉर्मेशन यहां पर लेंगे। और यहां पर आपको एआई बेस्ड यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर काफी सारे एनिमेशन मिलेंगे, जिसमें यहां पर आप देखोगे रिकॉर्डिंग वाला, कॉल रिकॉर्डिंग वाला या फिर मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला जो एनिमेशन है वो आपको यहां पर कुछ इस टाइप का मिलेगा, जो कि एआई बेस्ड होगा, जिसमें आपको डायलर के अंदर भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है वो बेस्ड मतलब नेक्स्ट लेवल ऑन मिलेगा, जो कि एआई बेस्ड है। और यहां पर रिकॉर्डर के अंदर भी आपको ये टूल मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो काफी एक जबरदस्त टूल यहां पर लग रहा है। देन उसके साथ यहां पर बहुत सारी राइटिंग वगैरह भी जो है वो आप एआई के थ्रू कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको काफी सारे राइटिंग वाले टूल भी यहां पर मिलेंगे। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा जंप है हाइपरस 2.0 का, जिसके अंदर टूल्स और फीचर्स भी हो। यहां पर आप देखोगे फोटोज में काफी सारी चीजें जो है वो आप यहां पर टेक्स्ट वगैरह में जो है ट्रांसलेट कर सकते हो, देन उसको कॉपी कर सकते हो, और भी बहुत सारे सपोर्ट जो है वो एआई बेस्ड ऑन आपको डिवाइसेस में देखने को मिलेंगे। और उसके साथ यहाँ पर देखोगे और भी काफी सारे टूल्स का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि वीडियो कॉल्स वगैरह में एआई के भी आपको काफी सारे सपोर्ट मिल जाएंगे। और उसके साथ यहाँ पर और भी काफी सारे टूल्स का सपोर्ट मिल रहा है, सिक्योरिटी के अंदर भी आपको एआई का काफी ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाला है। देन इसके साथ यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर भी हैं जो चाइना में चलते हैं, इंडिया में नहीं चलते हैं। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने डिवाइस का नाम जरूर मेंशन कर देना, जिससे एक्जैक्टली मुझे भी पता चले कि आपके पास कौन सा फोन है, और आपके फोन में हाइपरस 2.0 मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो मैं आपको यहां पर बता सकता हूं। इसलिए आप अपने डिवाइस का जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फैमिली को शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं ना शुरू में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।